तो हेलो फलास, गुड मॉर्निंग फलास। आज है डे थ्री ऑफ माय मंक मोड डे थ्री। तो आज का शुरुआत अच्छा नहीं हुआ। 7:34 को वेकअप समय था। एक्चुअली 6:30 को वेकअप करने का प्लान था, क्योंकि कल जल्दी सो गया था, कल 12 बजे को सो गया था, पर अलार्म गलती डाल दिया, दूसरे दिन का अलार्म डाल दिया, तो अलार्म नहीं बजा, तो इसलिए 7:34 को खुद नींद खुल गया और जल्दी जल्दी फ्रेशअप होकर अभी 8 बज गया है। अभी निकलता हूँ अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए और होप करता हूँ कि आज 5 घंटा है प्लीज 5 घंटा से ज़्यादा फोकस्ड वर्क पर ध्यान दूँ। आज वर्क प्लेस से रिटर्न टाइम है 1:46 PM। मैं पहुँच गया हूँ, अभी फ्रेश होकर जा रहा हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि घर में किसी कोई नहीं है तो कोई लंच प्रिपेयर करके नहीं रखा, तो खुद बनाने के लिए बहुत आलस लग रही है, तो इसलिए जा रहा हूँ लंच करने के लिए। यहाँ कल जहाँ खाया था वहीं जाऊँगा। ये आ गया मेरा आज का खाना, ऑमलेट और डोसा लंच। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ जब मैं गाड़ी चला रहा था। किसी ने कमेंट किया कि ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या, कैसे गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ हो गया था जिसके कारण उन्होंने ऐसा कहा। तो गुस्सा तो हूँ, पर मंक मोड में अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। बहुत ही मीनिंगलेस था वो आदमी और मैं भी, पर अगर मैं कुछ रिएक्शन कर देता तो हमारे बीच युद्ध छिड़ जाती, मतलब झगड़ा हो जाता, ठीक नहीं है। ईटानगर से नाहरलगन तक 7 बजे से लेकर 8 बज के यहाँ पहुँचने के लिए, नाहरलगन पहुँचने के लिए, और बैडमिंटन कोर्ट में कोई नहीं आया। अभी वापस जा रहा है, 1 आवर वेस्टेड, जस्ट कम्यूटिंग वेस्टेड। अभी वापस जाना पड़ेगा ईटानगर, वापस 1 घंटा का करीब लग गया, मतलब 2 घंटा बिना कुछ किए। खेलने आया था कोई नहीं आया, बढ़िया। और ये एक सोशल ड्यूटी है, ये मुश्किल है मंक मोड का शायद मेरे हिसाब से, कि जब आपके जो आपसे जो बड़े लोग हैं वे आपको रिक्वेस्ट करते हैं, कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, तो आप मना नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम। तो अभी आप देख सकते हो समय है 23:08, दैट मीन्स 11:08 PM फ्राइडे 14 जून, और 10:55 PM टू 11:05 PM वॉज माई मेडिटेशन टाइम, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि आज सुबह मेडिटेट नहीं कर पाया क्योंकि लेट उठ गया था। तो और अभी कॉफ़ी बन रही है, एम है कि 11:02 बजे तक बैठना है इस चेयर में, अपने फोकस्ड वर्क को कंप्लीट करना है। अगर 2 बजे तक बैठ पाया तो कितना होगा, 11, 12, 1, 2, 3 घंटा, और अभी तक शायद मेरा 4 घंटा हो गया है, तो 7 घंटा हो जाएगा। उठना तो 7 बजे को ही है सुबह का, तो 2 बजे को सोने से 7 बजे 5 घंटा हो जाएगा, करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय वेस्ट कर गया बैडमिंटन के चक्कर में। बैडमिंटन खेला तो बस 20 मिनट के लिए, 20 मिनट का आना जाना में, यहाँ से ईटानगर से नाहरलगन कितना, 1 घंटा, नाहरलगन से ईटानगर ट्रैफिक के कारण 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा लगा, क्योंकि आपने देखा कि जब वहाँ पहुँचा तो कोई था नहीं खेलने के लिए, और ईटानगर में वेन्यू चेंज हो गया जो मुझे बताया नहीं, और फिर यहाँ 1 घंटे 2 घंटा कम्यूटिंग के बाद 20 मिनट के बाद, और उसी चक्कर में समय वेस्ट हुआ। पर अभी मेकअप करना पड़ेगा, लेट मी चेक माय कॉफ़ी। तो ये होगा सेटअप आज का, शुरू करेंगे काम, कॉफ़ी हाथ में, और शुरू करते हैं। तो वेरी प्राउड टू से दैट इट is 2 AM right now and I'm still awake, completed my task,
देख सकते हो ये है 2 बज गया 15 जून 2024। तो जो मैंने सोचा था वो हुआ, वो मैं कर पाया। तो अभी अच्छी नींद आएगी मुझे ऑन टू द नेक्स्ट डे। सॉरी, तो आज टोटल कितना हुआ उसको देखना पड़ेगा। टोटलिंग लेट्स टोटल फॉर टुडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14/6/2024 का वेकअप वॉज लेट 7:34 AM, फिर रिटर्न फ्रॉम वर्क एट 1:46 PM। तो ये दोनों के बीच में इतना कुछ नहीं होता है मेरे फोकस्ड वर्क के फोकस्ड वर्क कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि इसमें बिजी हो जाता हूँ। फिर लंच टिल 3 PM, दैट इज 2 to 3 PM, एंड 3:10 to 4:10 वन सेशन। तो यहाँ हो गया तेरा 1 आवर। फिर 4:20 to 5:10 PM, तो इसमें हो गया मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट्स, दैट इज 50 मिनट्स। फिर ये हो गया तुम्हारा 5:10 to 5:40 PM, यहाँ पर नैप। ये फिर से जो स्लीपीनेस, इवनिंग स्लीपीनेस मुझे हरा दिया 5:10 to 5:40। फिर 5:50 to 6:50 PM फिर और एक सेशन ख़त्म कर पाया। तो टोटल 2 आवर्स 50 मिनट्स, 2 आवर 50 मिनट हो गया। और फिर अभी का जो सेशन था उसमें कितना बजे से था, 11 बजे से 2 बजे तक, तो 11, 12, 1, 2, 3 hours, तो ऑलमोस्ट 5 hours 50 minutes। तो उसमें 10-20 मिनट ब्रेक का माइनस कर दीजिए तो लगभग 5 hours पकड़ लेंगे, 5 hours मिनिमली। उससे ज़्यादा था शायद, पर आप पकड़ लेंगे 5 hours। तो आज 5 घंटा फोकस्ड वर्क कर पाए, कैसे करके इतना कम हो रहा है ना। एफर्ट तो शायद और एफर्ट डालना पड़ेगा। तो बाय फॉर टुडे, ऑन टू द नेक्स्ट डे। टुमारो विल बी माय व्हाट 3rd डे और 4th डे, आई नीड टू सी दैट।